नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि ये बसंत पंचमी आपके जीवन में कौन से खुशियों का रंग भरने वाली है, क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव आएंगे, क्या कुछ भविष्य रहेगा और आप क्या क्या हासिल करेंगे, कौन कौन से अवसर आपके जीवन में आएंगे, किस तरह से आएंगे, यही सब बताने वाले हैं। हमने कार्ड्स पहले ही सफल करके रख लिए हैं। डियर फ्रेंड्स, टैरो कार्ड आज आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं? टैरो कार्ड बता रहे हैं आपके जीवन की पूरी कहानी। आपके सामने टैरो कार्ड्स हैं और आप देख पा रहे हैं कि हर किसी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं और आपके जीवन में भी थे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मतलब हर तरह से आपने जिंदगी का हर हिस्सा देखा है। कभी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आई तो बहुत सारे गम आए हैं, बहुत स्ट्रगल भी आपने देखा है, लेकिन इस सब के पीछे कहीं ना कहीं आपके अपनों का साथ रहा है। कैसा भी वक्त हो, आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको हमेशा प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है जो यही बताता है कि आपको ईश्वरीय शक्ति मदद पहुंचाती है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है। आप जब हिम्मत हारने लगते हैं, जब कभी निगेटिव ख्याल आपके मन में आते हैं, तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक ईश्वर की शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, कहीं से अंदर से प्रेरणा मिलती है और आप प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही आपकी सकारात्मक सोच का भी असर हो सकता है और आपकी जो ऊपर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आप ध्यान से देखेंगे, उसमें आपको दिख रहा है कि डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति का वो साइन है, आपको कहीं ना कहीं से उनसे स्ट्रेंथ मिलती है। एक बात और बताएं, कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो मुखौटा लगाए रहते हैं, आपको धोखा देते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, तो आपको उनकी भी सच्चाई नजर आने वाली है। जो लोग आपके साथ धोखा करते हैं, आपके सामने बहुत अच्छे बने रहने की कोशिश करते हैं और आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, तो उनकी भी सच्चाई आपके सामने आएगी। द फूल का कार्ड आपको यही बताता है कि कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। हो सकता है एक किसी आप बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ नई शुरुआत, जैसे कि होता है कि आपका ट्रांसफर हो रहा है, आप कहीं नई जगह जा रहे हैं, एक जो नई शुरुआत हो रही है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। हो सकता है आप अपने विचारों में पूरी तरह से परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में पूरी तरह से कोई सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर सकारात्मक एक पॉजिटिव चेंज ही दिख रहा है, तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। देखिए, अगर चेंज होता है तो आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि हर बार चेंज इंसान की आदत पड़ जाती है उसी रूटीन को जीते हुए, लेकिन हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना है। जीवन का उद्देश्य भी यही है कि आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कुछ सीखिए और सिखाइए, दूसरों को भी सिखाइए। इस तरह से आपके जीवन में कुछ ऐसा नया आयाम आने वाला है, कुछ नया मोड़ आने वाला है और आप बहुत ही इंजॉय करेंगे अपने आगे की जिंदगी, क्योंकि आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आपको नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आपको यही बताता है कि भाग्य की तरफ से आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। आप जो भी काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी, एक बात और, आप अपने काम के प्रति थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उनको लेकर आप थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि लापरवाह नहीं होना है, अपने काम के लिए बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। आपको जितने भी अवसर मिले उनका पूरा पूरा फायदा उठाइए, दूसरों का सहयोग आपको मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं अनुभवी व्यक्ति आपके साथ होंगे। हो सकता है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अनुभवी हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो आपको मदद करेंगे और उनकी मदद से आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आने वाले हैं, हो सकता है कई बार ऐसा समय भी आएगा कि आपको बहुत अकेलापन लगेगा, कहीं बाहर जाने के नाम पे आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो आपकी यात्रा सुखद हो सकती है। आप कुछ नया एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। और एक बात बता देते हैं कि पैसों को लेकर आपकी लापरवाही दिख रही है, थोड़ा सा पैसों को कैसे हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इस बात को लेकर असमंजस हो सकता है। ये तभी होगा जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। जी हाँ, अब जो समय आ रहा है आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव है, आपको सब कुछ मिलेगा, धन दौलत शोहरत, और ऐसा भी लग रहा है कि आप
इन सब को बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और आपके जीवन का जो अगला पड़ाव है वो कुछ ऐसा है कि आपको सही डिसीजन लेना है, लापरवाह नहीं होना है, अपने जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको पूरी तरह से उनका लाभ उठाना है। पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे अरेंज करना है, कहाँ उसको सही जगह रखना है, इस तरह से आपके मन में कुछ दुविधा हो सकती है। एक बार तो ऐसा लग रहा है, एक पल ऐसा आएगा जब आपको ऐसा महसूस होगा कि रुपए पैसे जब से आपके पास आए हैं तब से लोग बहुत मतलबी हो गए हैं और आप अकेले पड़ गए हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपने आप को कभी अकेला ना समझें, क्योंकि ईश्वर हर पल आपके साथ है, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके पास हैं। देखिए, जब भी आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो, बहुत अकेलापन महसूस हो, तो आप अपनी आंखें बंद करके डीप ब्रीथिंग किया कीजिए और ईश्वर को याद करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर को याद करें और ये महसूस करें कि वो आपके साथ हैं। हमेशा अपने मन में एक पॉजिटिव धारणा रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है, यही कि ईश्वर हर पल मेरे साथ है, तो कभी किसी का गलत नहीं करना है। हमारे इस जीवन में हमें जितना हो सके दूसरों को दान पुण्य करें, मदद करें दूसरों की और अपनी अच्छी छवि बनाकर रखें अपनी सफलता के लिए। कभी किसी का बुरा ना करें, सबसे अच्छी बात यही है। आपके जीवन में हमने बताया कि आपके घर में कोई ऐसा है जो आपको हमेशा प्रेरणा देता है, अगर आप उनकी सलाह मानेंगे तो आपको बड़ा फायदा हो सकता है। आपको उनकी सलाह मानना चाहिए, हो सकते हैं वो आपकी दादी हों, वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपके घर में हो सकता बड़ी बहन है, जो भी है कोई लेडी है जो आपको सही रास्ता दिखाती हैं और उनकी सलाह मानकर आपको बड़ा फायदा भी होगा, तो आप उनकी सलाह जरूर माना कीजिए। कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर है तो इंसान सफल जरूर होता है। बस आपको यही करना है और जो आपको ताकत दे रहे हैं ईश्वर, वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ें अपने जीवन में, अपने जीवन के कष्टों को आप दूर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे तो आप नए नए अवसरों का लाभ उठाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करें और आपको लापरवाह नहीं होना है किसी भी बात को लेकर। अगर आपके जीवन में ऐसा पल आता है जब आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं तो भी आप खुद को अकेला न समझें, अपने अंदर हिम्मत रखें और दूसरों की सलाह जरूर लें, अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लें। अपनों के साथ आप पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है तो टू ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, वो यही बता रहे हैं कि आपके जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे जो खुशियों भरे होंगे, सब कुछ मिलेगा, ईश्वर ने सब कुछ आपके अंदर ही असीम क्षमताएँ दी हैं। तो जो समस्याएं आप लेकर परेशान हो रहे हैं उनकी समस्याओं का हल भी आपके पास ही है और बहुत अच्छा भाग्य है आपका, यही टैरो कार्ड बता रहे हैं। अब आपको नेगेटिव नहीं होना है। एक बात याद रखें, अगर ईश्वर ने आपको अवसर दिए हैं तो इसलिए दिए हैं कि आप उनका फ़ायदा उठाएं, ना कि आप ओवर थिंकिंग करते रहें, आप बहुत ज़्यादा सोचें उस बारे में कि इस अपॉर्चुनिटी से मुझे कुछ मिलेगा, इस अवसर से मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा सोचें नहीं और बस ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उस रास्ते पर निकल पड़ें जो उन्होंने आपको दिखाया है। हमेशा याद रखें, रास्ता सही है, आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।